काँग्रेसचे महासचिव मुकुल वासनिक हे बुलढाणा जिल्हा दौऱ्यावर आले आहेत. ते जिल्ह्यातील धाड येथील पत्रकार प्रमोद बोर्डे यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या निवासस्थानी सांत्वन भेटीसाठी आले होते. त्यानिमित्ताने ते 4 वाजेच्या सुमारास बुलढाणा शहरात दाखल झाले आहेत. दरम्यान यांचे ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात आले. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठोड, आमदार राजेश एकडे, वक्ता सेलचे मुक्त समन्वयक रवी पाटील, जिल्हा अध्यक्ष राहुल बोंद्रे आदी उपस्थित होते. 7 तारखेपासून कन्याकुमारीतून 3,570 लोकांना पदयात्रा सुरू करण्यात येणार आहे. असं काही नाही, मध्यंतरी काही महत्वाच्या आमच्या सहकाऱ्यांचं निधन झाले. धाड इथल्या प्रमोद बोर्डेंचं निधन झालं. त्यानंतर तिथे आमचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य त्यांच्या वडिलांचंही याच दरम्यान निधन झालं, रिझवानचे वडील. आणि मग आता आम्ही मोताळ्याला पण जाणार आहे. देऊळघाटला इथे नवाब शेठ त्यांचं पण वय आता बरंच झालं आहे, 93-94 वर्षाचे झाले. त्यांच्याकडे आम्ही जाऊन आलो आणि पुढे पिंपळगाव काळे इथे पण राजधर सिंग राजपूत यांच्या घरी जाणार आहे. याच संदर्भात प्रामुख्याने आज बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आलो. पुन्हा लवकरच सप्टेंबर महिन्यामध्ये मी येणार आहे आणि मग बाकी संघटनेच्या दृष्टिकोनातून काय आपल्याला इथे सहकार्य करायचं आहे, त्या दृष्टिकोनातून इथल्या आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर मी चर्चा केली. गुलाम नबी आझादने काँग्रेस छोडकर गंभीर आरोप लगाए, काय त्याच्याबद्दल काय म्हणणे, तुमच्या काय प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में एक नए सिरे से किस तरह से हम अपनी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, उस दिशा में हमने अपने प्रयास शुरू किए हैं. कुछ ही समय पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हमने किए हैं. उन फैसलों को अब अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है. इसी बीच में जब भारत के 75 साल पूरे हो रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की गौरव यात्रा पूरे मुल्क में हर स्तर पर बड़े उत्साह के साथ आयोजित करने का काम किया. यहाँ तक कि आप जानते हैं कि बुलढाणा जिले में भी जगह जगह पे इस यात्रा का आयोजन हुआ. हमने महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किया. 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा होगी, जिसमें हम महंगाई पर हल्ला बोल इस तरह का नारा देते हुए आने वाले दिनों में कौन से कार्यक्रम कांग्रेस को चलाने के हैं, उस संदर्भ में वहां पर अपनी बात रखेंगे. और 7 तारीख को कन्याकुमारी से 3,570 किलोमीटर दूरी की पदयात्रा वहाँ से राहुल गांधी जी वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं. और इस यात्रा में मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं, तो आम लोग भी इसमें शामिल होंगे. और इस यात्रा के जरिए हमारा प्रयास होगा कि आज वो ताकतें जो भारत की एकता को खंडित करने की कोशिश करते हैं, वो ताकतें जो भारत में धर्मनिरपेक्षता को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम इस यात्रा के जरिए मुकाबला करेंगे. और जात पात का भेद ना करते हुए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करते हुए, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को हम कैसा एक साथ ला सकते हैं और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में कैसा रोशन कर सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करें. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.